हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा कोचिंग क्लासेस। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं आपको 7.2 कराऊंगी। बच्चों देखो, अब तक मैंने आपको कॉफिशियंट करना बताया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बताया, अब मैंने आपको कॉफिशियंट वाई का कॉफिशियंट बताया एंड देन इवेल्युएट करना बताया। अब देखो, आप 7.2 में हमें क्या करना है, एलजेब्रा में हम लोग कैसे उसको एड ऑन करते हैं। तो देखो, 3x 7x है तो 3 और 7x, एक्स एक्स है तो ये तो एक्स आ ही जाएगा, 7 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, -5xy +9xy है तो देखो एक्स वाई तो ऐसे ही रहेगा, आपका बड़ा जो नंबर है वो है 9 है, तो 9 में से 5 किया तो क्या बचेगा 4। यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि आपका जो छोटा नंबर है वो आपका क्या है माइनस में है, तो इसको हमने माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपका जो बड़ा डिजिट है वो प्लस में है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी हमने उसको पॉजिटिव रखा। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -7abc 5abc 9abc 3abc तो देखो 5abc 9abc और 3abc। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एबीसी हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी देखो, ये आपका हो गया -7abc, क्योंकि ये तो माइनस में है तो उसको बिल्कुल ऐसे ही रखो। अभी देखो, 9 प्लस 5 9 5 प्लस 3 8 और 9 प्लस 8 17। तो देखो 17 में से 7 गया तो आपका क्या बचेगा 10abc। ठीक है, अब ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2xy एंड 7xy। तो देखो 2xy प्लस 7xy तो 7 प्लस 2 क्या होगा आपका 9 और xy तो आपका आएगा ही आएगा। अब ऐसे ही बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ आप मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई